और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। आनंद दुबे, ये इधर उधर कुछ होगा क्या? सरकार कमजोर है, अजय आलोक कह रहे हैं कि शेर शिकार करता है तो बोलता नहीं है, क्या मतलब है इसका? मानक जी नमस्ते। आज 19 जून है, हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। 58वें स्थापना दिवस के लिए मैं आप सबको नमस्ते करता हूं। देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों ने पार्टियों को तोड़ा, एक चलती सरकार को गिराया, हमारा चुनाव चिन्ह छीन लिया, नाम छीन लिया, उसके बाद भी हम डटकर अगर इनसे सामना कर रहे हैं, इनकी गुलामी हमें पसंद नहीं है, तो हम इनका साथ कभी जिंदगी में देख क्यों सकते हैं? क्यों इनके बगल में खड़े हों? इनकी योग्यता क्या है? इनका पात्रता क्या है? इनका चरित्र क्या है? इन्होंने ऐसा क्या महान कार्य किया है कि हम इनका समर्थन करेंगे? हम करते थे एक समय समर्थन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी का, लाल किशन आडवाणी जी की पार्टी का। ये नई भाजपा है साहब, इसको तो मित्र पसंद ही नहीं है, इन्हें तो गुलाम पसंद है ना, तो गुलामों को लेकर बैठे हैं। महाराष्ट्र में 2 गुलाम इनके पास है, दिल्ली में न जाने कितने की संख्या है। इनका समर्थन करने का मानक भाई सवाल ही नहीं उठता, बल्कि इनका पुरजोर विरोध करना है, इनकी गलत नीतियों को जनता के सामने लाना है, एक मजबूत विपक्ष का नेता बनके इन 5 वर्षों में हम सबको उभरना है, ताकि जब 2019 का चुनाव आए तो हमारी पार्टी की सरकार। मैं बस एक बात कहूंगा, देखिए मैंने आपको पूरा समय दिया, आपने अपनी पूरी बात कही, आपको पूरा हक है, लेकिन जब भी कोई क्षेत्रीय दल का नेता इस तरह के बड़े दावे करता है ना, तो आजकल यकीन नहीं होता। यकीन मानिए, जब से वो नीतीश कुमार ने पलटी मार ली 3 बार 4 बार, उसके अलावा कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन हो गया, बीजेपी पीडीपी तो खैर इतिहास के पन्नों में दर्ज है ही, फिर एनसीपी भी 2-3 बार बीजेपी के साथ आ चुकी। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, कल को कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, कुछ भी कहिए, आपका हक है आजकल, लेकिन इन बातों पर कोई यकीन नहीं करता, कल को क्या पता क्या हो जाए। आपके सामने असली शिवसेना का प्रवक्ता बैठ के बात कर रहा है, हमारी जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि रोज हम पलट जाएंगे। हम जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, हमारा सब कुछ छीनने के बाद हम 9 सीटें आपके सामने डट कर ले आए ना, ये 90 के समान होता है मानक भाई। बहुत कम लोगों को ये अवसर मिलता है कि उनका आप सब कुछ छीन लीजिए तो आपका वो सामना कर सकते हैं। हमने मुझे याद है आनंद दुबे, मुझे याद है अकेले अकेले चुनाव लड़े थे ना, विधानसभा का 2014 का ना, शायद अकेले अकेले लड़े थे चुनाव। तो अकेले लड़े था और उसके बाद फिर साथ आ गए थे, याद नहीं है आपको? फिर साथ आकर सरकार बना ली। मानक भाई साथ आना ना आना वो एक चर्चा का विषय हो सकता है। हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। हाँ। लेकिन 2024 में हम जून में बैठे हैं, 26-27 जून को जो इनका शक्ति प्रदर्शन है या विश्वास मत है, उसमें शिवसेना पार्टी इनका पुरजोर विरोध कर रही है। मैं उस विषय पे बात ठीक कर रहा हूं। ओके। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। ओके। इतिहास में क्या हुआ, भविष्य में क्या हुआ, ये धरती पर कोई नहीं बता सकता। नहीं नहीं, राहुल गांधी को पता है, राहुल गांधी ने कह दिया सरकार कमजोर है, बहुत सारे लोग इनके हमारे संपर्क में है, सरकार गिर जाएगी। उसके पीछे तर्क है, राहुल गांधी जी के कहने के पीछे आधार है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली है। राहुल गांधी यही बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर सहयोगी ने उनको छोड़ दिया तब हम देखेंगे हमें क्या करना है, लेकिन हम तोड़ते नहीं है, हम इतनी गंदी राजनीति नहीं करते, हमारा चरित्र इतना खराब नहीं रहा। ये महाराज आदरणीय अजय आलोक जी की पार्टी को हासिल है, ये लोग शांति से शिकार करते हैं। प्रधानमंत्री पद ऑफर कर दिया नीतीश कुमार को, पीएम का पद आप कह रहे हैं हम लोग तोड़ते नहीं है, किसने किया नाम बताइए। ऐसे मैं कह दूं कि मानक भाई को मैं राष्ट्रपति बना रहा हूं, कोई मानेगा मानक भाई? ऐसे नहीं होता। केसी त्यागी ने बोला है, केसी त्यागी ने कहा है। त्यागी जी एक वरिष्ठ है, हमारे वरिष्ठ अभिभावक है। हाँ। अगर उन्होंने कहा है तो उनके पास जानकारी होगी, लेकिन कोई मीडिया पर कोई पत्र कोई इसके कोई सीसीटीवी फुटेज तो मतलब नहीं। राहुल गांधी गलत कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दल हमारे संपर्क में है? राहुल गांधी जी सच कह रहे हैं, एनडीए के सहयोगी हमारे संपर्क में है। हाँ। और आज से नहीं है, पिछले कई महीनों से। कौन कौन से है? अब हम ऐसे कैसे बताएंगे? अरे कमाल है, बता दीजिए। आप तो खुलकर कहते हैं, आप तो कह रहे थे शिंदे गुट के इतने सारे एमपी हमारी तरफ आना चाहते हैं, उनके एमएलए आना चाहते हैं, अजीत पवार के एमएलए आना चाहते हैं, हमारे संपर्क में, और वो विचलित है, वो बेचैन है। सबको पता चल गया है कि हवा का रुख बदल गया है। 2024 में महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की महाराष्ट्र में सरकार आने वाली है,
इसके लिए संपर्क में है। अच्छा, महाविकास अघाड़ी की सरकार अगर आएगी, अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी तो सीएम कौन बनेगा फिर आनंद दुबे? हाँ, विकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो सबको पता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा एक ही है। हमारे यहाँ तो विवाद ही नहीं है, आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी जो पहले थे वही है। एक मिनट, ये पिछली बार की बात है, ये फॉर्मूला पुराना है। क्या इस बार चुनाव का फॉर्मूला तय हुआ है? क्या मैं सीटों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीएम फेस पर क्या कोई सहमति हुई है? महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया उद्धव बाला साहब। कैसे तय कर दिया? आपको आपकी सीट तो मिली नहीं, 7 सीट ले गए शिंदे, एकनाथ शिंदे 7 सीट ले गए, आपको 9 मिली है। उसमें से उनका स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर है मानक भाई, उसमें एक सीट तो हमारी ही है, आज नहीं कल 2-4-6 महीने बाद वापस मिल जाएगी। कौन सी? आप 10 मानिए। कौन सी? अमोल कीर्तिकर। अरे अच्छा, नहीं अब ऐसा मतलब कोई छीन छीट ले, कोई चोरी कर ले, उसे भी आप उनमें पकड़ेंगे? अच्छा ठीक है, ओके, चलिए उसका फैसला होने दीजिए, वो एक अलग बात है। पर फिर भी आप ये जब कहते हैं कि हमने जीत लिया, हम असली शिवसेना साबित हो गए, असली नकली की लड़ाई शिवसेना के लिहाज से महाराष्ट्र में सेटल हुई नहीं है अभी, तो अक्टूबर में कर देंगे। अच्छा ठीक है, ब्रिज मंच भाई ना, ठीक है, ओके।